Hey guys, welcome back to my channel Twinkling Style and Fashion. Hope you all are doing good. So today I have created this makeup look, and this is the wedding guest makeup look on my sister. I hope you all will enjoy it. So without any further ado, we will start the video. Please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button beside that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं श्लोका का 3-in-1 टोनर क्लींजर और जो मेकअप रिमूवर है वो वाला यूज़ की हूँ, जिसको कि हम टोनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं कॉटन वाइप से लगा दी। फिर यहाँ पे मैं प्लम का मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ उसके फेस पे थोड़ा सा। वैसे देखा जाए तो उसका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, मुझे ज़्यादा कुछ मतलब मेहनत करने के लिए मतलब नहीं हुआ, तो अच्छे से हो गया उसके ऊपर मेकअप। उसका बेस मेकअप भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। सो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं न्यूट्रीजिना का सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ, जो कि एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है फेस को। और उसके बाद मैं यहाँ पे अर्बन कलर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ उसके टी जोन पे, ताकि मेकअप ज़्यादा टाइम तक स्टे करे। सो यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड के ब्राउ किट से उसका ब्राउज बनाई हूँ। उसके ब्राउज वैसे भी बहुत शेप में है, बस उसको थोड़ा फिल इन की हूँ मैं। और उसको अच्छे से फिल इन करने के बाद मैं कंसीलर से उसको और थोड़ा अच्छे से शेप दे दी। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन कंसीलर, और उसको लेके मैं अच्छे से ब्राउ के नीचे और ब्राउज के ऊपर क्लीन कर दूंगी, और फिर उसको अच्छे से पूरे आईलिड पे लगा लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी, जो कि एक अच्छा आई मेकअप का बेस प्रोवाइड करता है हमारे आईज को। तो यहाँ पे मैं शुगर का बनाना पाउडर से उसके आईज के बेस में थोड़ा मतलब लगा ली। फिर यहाँ पे मैं उसका आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, और आज मैं यूज़ की हूँ निकाके का पैलेट, और जिससे कि मैं पूरा मेकअप बनाई हूँ। निकाके एंड हिलेरी रोडा का पैलेट से मैं पूरा ये आई मेकअप बनाई हूँ। ये कुछ ब्राउनिश और मरून और गोल्डन मिक्स करके मैं बनाई हूँ। अभी मैं थोड़ा कंसीलर से कट क्रीज बना रही हूँ, फिर मैं गोल्डन शेड लेके उसको अच्छे से प्लेस कर दी हूँ उसके हाफ ऑफ द आईलिड्स पे। यहाँ पे मैं लैक्मी का आईलाइनर यूज़ की हूँ, और उसको पूरा थिन लाइन ड्रॉ की हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं की हूँ, नहीं तो ये लुक में अच्छा नहीं लगता वो वाला। सो यहाँ पे मैं थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आई मेकअप में मेरा मस्कारा बाकी रहता वो मैं लगा ली हूँ। यहाँ पे मैं कंसीलर लगा के आई शेडो को क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो कि मेरा ऑल टाइम अल्टीमेट फेवरेट फाउंडेशन है। उसको मैं पूरे फेस में अप्लाई करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। क्योंकि उसका फेस पूरा क्लीन है, तो ब्लेंड करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। यहाँ पे फिर से मैं मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, फिटमी कंसीलर। सो उसको मैं मतलब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं अप्लाई कर दी, और उसको फिर से मैं वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। सो हियर अगेन आई एम यूजिंग दैट बनाना पाउडर, उसे अच्छे से मैं सेट कर दी हूँ पूरे फेस को। और यहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग के लिए वही आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर लेके ब्रॉन्ज कर दी। यहाँ पे मैं माई ग्लैम का केपले का ब्लशर लगाई, फिर काजल भूल गई थी, काजल मैं अप्लाई कर दी हूँ उसके फेस में, और एक छोटा सा रेड बिंदी मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लिपस्टिक बाकी रह गया था। सो यहाँ पे मैं शुगर का क्लिक मी अप लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। शेड नंबर मेरे को पता नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और अभी ऑलमोस्ट हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया, और मैं फिक्सर भी अप्लाई की हूँ। सो लेट्स सी।